कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, कौन सी स्त्री की दर्द भरी मौत हो जाती है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज की वीडियो, आज का ये प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद होने वाला है। आपसे निवेदन है, आप इस कहानी को शुरू से लेकर अंत तक अवश्य ही सुनना। दोस्तों, इधर उधर की बातों को न करते हुए कहानी शुरू करते हैं। उससे पहले आपसे पुनः निवेदन है, आप हमारे इस चैनल को पहली बार देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य ही करें, घंटी वाला बटन अवश्य दबा दें ताकि जो भी हम वीडियो यहां से अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचता रहे, आप किसी भी जानकारी से वंचित न रहो। दोस्तों, हो सके तो अपने सगे संबंधी मित्रों तक इस वीडियो को शेयर भी करना, कमेंट में अपनी राय अवश्य रखना। दोस्तों, एक बार माता लक्ष्मी क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पैर दबा रही थी, तो पैर दबाते दबाते माता लक्ष्मी ने कहा भगवान विष्णु से, हे प्रभु, आज मेरे मन में तीन प्रश्न उठ रहे हैं, यदि तीन प्रश्नों के उत्तर देकर के आप मुझे संतुष्ट करेंगे तो मेरे मन के लिए बहुत शांति मिलेगी। तो भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, आखिर तुम्हारे मन में कौन से वे तीन प्रश्न हैं, हमें प्रश्न बताइए। तो मैं माता लक्ष्मी कहती हैं, प्रभु, मेरे मन में तीन प्रश्न में से पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र नहीं होता है, और दूसरा प्रश्न है, कौन सा गहना पहनने से स्त्री या पुरुष की दर्द भरी मौत होती है, और मेरा तीसरा प्रश्न है, प्रभु, स्त्री का कौन सा श्रृंगार उसे स्वर्ग में स्थान दिलाता है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, तुमने यह तीनों प्रश्न हमसे किए हैं, यह तुम्हारे प्रश्न तीनों ही बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। जो भी व्यक्ति इन तीनों प्रश्नों के उत्तर समझकर इस पर्याप्त ज्ञान के लिए अपने जीवन में उतार लेता है, उसे जीवन में और मरने के बाद भी सर्व सुख की प्राप्ति होती है। दोस्तों, तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, अब मैं तुम्हें तुम्हारे तीन प्रश्नों के उत्तर एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताऊंगा, जिससे इस कहानी के माध्यम से तुम अपने प्रश्नों का उत्तर ठीक से समझ सकोगी। मगर देवी लक्ष्मी, मेरी एक शर्त है, जब तक मैं इस कहानी के लिए सुनाऊं, इस कहानी के लिए तुम्हें पूरे मन से और लगन से सुनना है। तो देवी लक्ष्मी कहने लगी, ठीक है प्रभु, मैं आपको वचन देती हूँ कि आपके द्वारा बताई गई इस कहानी के लिए मैं पूरे मन से और लगन से सुनूंगी। आप कृपया करके भगवान मुझे कहानी सुनाना प्रारंभ कर दीजिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, किसी राज्य में एक छोटा सा नगर था, उस गांव में एक सेठ रहता था। उस सेठ के दो बेटा थे और सेठ के बेटों की शादी भी हो चुकी थी। सेठ की पत्नी और सेठ के बड़े बेटे की पत्नी दोनों का ही स्वभाव दुष्ट प्रवृत्ति का था, इसलिए उस सेठ की पत्नी अपने बड़े बेटे की बहू से बहुत ज्यादा प्रेम अर्थात प्यार किया करती थी। मगर छोटे बेटा की पत्नी जो थी वो बड़े ही अच्छे स्वभाव की थी। दोस्तों, वो एक पतिव्रता स्त्री थी और पूरे घर का सारा काम काज भी वो अकेले ही कर लिया करती थी। इतना सब कुछ होने पर भी सेठ की पत्नी और सेठ के बड़े बेटे की पत्नी छोटी बहू का हमेशा ही अपमान करती रहती थी। तब इधर भगवान विष्णु समझाते हैं, हे देवी लक्ष्मी, सेठ के बड़े बेटे की बहू के एक बेटा था और इधर छोटी बहू पर एक पुत्री थी, उस पर कोई भी बेटा नहीं था। और सेठ की पत्नी और सेठ की
बड़ी बहू का इधर छोटी बहू के लिए पुत्र को लेकर के ताना मारती रहती थी। लेकिन दोस्तों, वह बेचारी कर क्या सकती थी, वह हमेशा सुनती रहती थी। अब मैं तुम्हें सेठ की छोटी बहू की कहानी बड़े विस्तार पूर्वक समझाता हूँ। इस कहानी को सुनो। हे देवी लक्ष्मी, तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर तुम्हें प्राप्त होगा, इसलिए देवी लक्ष्मी इस कहानी के लिए तुम बड़े ही ध्यान से सुनना। तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, उस सेठ की जो पत्नी थी वह बड़े ही दुष्ट स्वभाव की पत्नी थी। वह पहले से ही दुष्ट स्वभाव की स्त्री थी। उसके कोटिल स्वभाव से सभी घर वाले बहुत ज्यादा परेशान थे, लेकिन अपनी सीधी सादी बहू सुकन्या को वह कुछ ज्यादा ही परेशान करती थी। दोस्तों, उसे सताने में उस सेठ की बहू के लिए बहुत ज्यादा आनंद आता था। सेठ के छोटे बेटे की बहू का नाम सुकन्या था। बेचारी सुकन्या सुबह मोह अधेरे बिस्तर से उठकर के अपने काम काज में जुट जाती थी, और इधर आधी रात्रि होने पर तब कहीं जाकर के बिस्तर पर सोने के लिए मिलता था। दोस्तों, इतना करने पर भी सेठ की पत्नी की निगाहें में सुकन्या जो थी वह हमेशा खटकती रहती थी। अब एक दिन सुबह के लिए सुकन्या घर में झाड़ू लगा रही थी तो सेठ की पत्नी वहां पर आकर के बोली, सुकन्या से, क्या तेरे हाथ में जान नहीं है? क्या तू जल्दी जल्दी हाथ चलाने में थक जाएगी? अब मंदिर के लिए मैं जा रही हूँ, और मेरे लौट कर आने तक तू खाना बनाकर तैयार रखना, और आते ही उस भोजन के लिए मैं खाऊंगी, और सुन, एक भी दाना अन्न का बर्बाद ना हो। तब इधर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, वो बेचारी सुकन्या करती भी आखिर तो करती क्या और क्या कहती? वह चुपचाप खड़ी होकर के अपनी सास की इन बातों के लिए सुनती रही। उसकी हाँ में हाँ मिलाकर के उसने अपनी गर्दन को हिलाया भी तक नहीं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, फिर घर की साफ सफाई करने के बाद सुकन्या तुरंत ही खाना बनाने के लिए जुट जाती है। मन में सोच रही थी, मैं इतना काम काज करने के बाद भी एक पल के लिए भी चैन की सांस नहीं ले पाती हूँ। हमारी सास जो हैं, वह हर वक्त मेरे काम काज में कुछ न कुछ कमी ही निकालती रहती हैं। उनके ताने सुन सुन करके अब मैं थक चुकी हूँ। इस प्रकार से वो सुकन्या सोच रही थी। इधर सुकन्या खाना के लिए बना रही थी, तभी बाहर से दरवाजा खटकाने की आवाज आई। तो उसी समय सुकन्या ने सोचा, अभी तो भोजन तैयार ही हुआ है, लगता है मेरी सासू माँ आज जल्दी लौट आई। फिर सुकन्या ने एकदम से दरवाजे के लिए खोला तो उसने क्या देखा, वहां पर एक सन्यासी खड़ा हुआ है। अब तो सन्यासी कहने लगा, है बेटी, तेरा सुहाग अमर रहे तो इस सन्यासी के लिए कुछ ना कुछ भोजन जरूर करा दे। पुत्री, मुझे बहुत ही तेज भूख लग रही है, भूख की वजह से छटपटा रहा हूँ। तब इधर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, सुकन्या बहुत ही सुशील तथा संस्कारी स्त्री थी। उसने सोचा, इस सन्यासी महाराज के लिए मैं भोजन करा दूं, लेकिन इतने में कहीं मेरी सास ना आ जाए तो मेरी खैर नहीं होगी। तभी कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद में उसने सन्यासी को भोजन कराने हेतु सन्यासी से उसने अंदर आने के लिए कहा, और उसी समय सुकन्या के मन में एक विचार उठा कि सास से भला डरना कैसा, यदि मेरी सास इतने पर भी आ जाएगी और यदि मुझसे कुछ कहेगी तो मैं उनसे कह दूंगी कि अपने हिस्से का भोजन इनके लिए दे रही हूँ। तब इधर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, फिर ऐसा सोच करके सुकन्या साधु महाराज के लिए अंदर बुला करके घर के अंदर
और अतिथि धर्म का पालन करते हुए उस सन्यासी के लिए भोजन कराने लगी। दोस्तों, अभी वह साधु भोजन कर ही रहा था, इतने में सुकन्या की सास आ गई। वहां साधु के लिए घर के अंदर बैठा भोजन करता देख करके उसका गुस्सा आसमान को चढ़ गया और एकदम से सुकन्या से कहने लगी, यहाँ पर किसी प्रकार का कोई भंडारा या दावत नहीं चल रही है, उठ भिखारी, बाहर निकल। दोस्तों, उस बहू सुकन्या ने अपनी सास को रोकने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन उस दुष्ट स्त्री ने उस सन्यासी को अपने घर से ढकेला मार करके बाहर निकाल दिया। दोस्तों, उसका खाना उठा करके बाहर फेंक दिया। अब उसके बाद में उसका क्रोध सुकन्या पर टूटा और कहने लगी, अरे दुष्ट स्त्री, मैंने तुझसे कहा था कि अन्न का एक दाना बर्बाद नहीं होना चाहिए, लेकिन तूने यह क्या किया? तूने सन्यासी के लिए इतना सारा अन्न खाने के लिए दे दिया। तब इधर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, सुकन्या डरते डरते बोली, हे माँ, मैंने तो सन्यासी के लिए अपने हिस्से का भोजन करा दिया है, आखिर इसमें इतना भला बुरा कहने की क्या जरूरत है? तुम्हें नहीं पता, अतिथि जो होता है हर ग्रस्त के लिए करना चाहिए, अतिथि धर्म का पालन। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, इस प्रकार से काफी देर तक सास और बहू में झगड़ा चलता रहा। अंत में उस दुष्ट सास ने सुकन्या के लिए भी अपने घर से धक्का मार करके बाहर निकाल दिया। दोस्तों, अब तो बेचारी सुकन्या रोती तड़पती हुई अपने घर के मुख्य दरवाजे के लिए पीटती रही, लेकिन उसकी सास जो दुष्ट थी वो एकदम पत्थर जैसी बन गई। बहू के इतना रोना चिल्लाने पर भी उसका दिल बिल्कुल भी नहीं पिघला। दोस्तों, उस अब सुकन्या के पास में एक ही रास्ता बचा हुआ था कि वह अपने पीहर के लिए लौट जाए। और भगवान विष्णु समझाते हैं, हे देवी लक्ष्मी, इस प्रकार से सुकन्या दुखी होकर के अपने पीहर के लिए निकल गई और रास्ते में एक बहुत ही बड़ा घना जंगल पड़ता था। सुकन्या उधर भूख प्यास में छटपटाती हुई अपने पीहर के लिए चलती जा रही थी, तभी उसी समय अचानक से जोर जोर से बादल गरजने लगे और मूसलाधार बारिश भी शुरू हो गई। तब इधर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, बरसात से बचने के लिए सुकन्या ने एक वृक्ष की शरण ली, लेकिन उस बरसात का वेग इतना तेज था कि वहां पर तो बचना नामुमकिन था, बचना बिल्कुल ही मुश्किल हो गया था। अब उसी वृक्ष की जड़ में एक क्वार्टर बना हुआ था। सुकन्या इस बात को सोच करके उसमें घुस गई कि बरसात रुकने के बाद में उस क्वार्टर से बाहर निकल आएगी, और जब तक बरसात हो रही है वह उसी क्वार्टर के अंदर बैठ करके बरसात से अपनी सुरक्षा कर सकती है। इधर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, जब वो सुकन्या उसी वृक्ष के क्वार्टर में घुसी रही, यानी वृक्ष में जो खोह थी उसमें घुसी रही, तो उसे उस क्वार्टर के अंदर एक साधु मिले, और सन्यासी कोई और नहीं था, भगवान विष्णु ही थे, अर्थात मैं ही था। तब मैंने कहा, हे बेटी पुत्री, तुम रोना बंद कर दो, मुझे सब कुछ मालूम है, तुम्हारे घर वाले तुम्हारा अपमान इसलिए करते हैं कि वह दुष्ट स्वभाव के हैं, वह तुम्हारे लिए ताना इसलिए मारते हैं कि तुम्हारी जेठानी के लिए पुत्र की प्राप्ति हो गई है और तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अभी तक नहीं हुई है। बेटी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक पर्ची देता हूँ, इस पर्ची में जो भी उपाय लिखा है तुम उसे पूरी सेवा भाव से करना, फिर आगे चल कर के तुम्हें एक गुणवान पुत्र की प्राप्ति होगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, इस प्रकार से मैं सुकन्या के लिए पर्चा देकर के वहां से मैं अंतर्ध्यान हो गया, और लक्ष्मी उधर जब वर्षा बंद हो गई तो सुकन्या को
ढूंढता हुआ उसका पति वहां पर पहुंच गया। फिर वह सुकन्या अपने पति को लेकर के अपने मायके के लिए जाने लगी और उसी जंगल में वह सुकन्या अपने पति के साथ जब हो गई तो वो अपने मायके ना जाकर के उसी जंगल में एक झोपड़ी बना करके रहने लगी। फिर एक दिन उस सुकन्या के लिए उसके मन में एक पुत्र प्राप्ति का ख्याल आया और सुकन्या मन ही मन सोचने लगी, यदि मेरे पास भी एक पुत्र होता तो मेरी ससुराल में आज मेरी ये दुर्दशा नहीं होती, इतनी बेइज्जती नहीं होती, मेरी भी इज्जत होती। अब सुकन्या ऐसा सोच ही रही थी तब तक उसे भगवान विष्णु के द्वारा दी गई वह पर्ची याद आ गई। फिर जब सुकन्या ने पुत्र प्राप्ति के लिए उस पर्ची के लिए पढ़ा तो उस पर्ची में लिखा हुआ था कि हे बेटी, पुत्र रात्रि के लिए, हमेशा स्त्री के लिए रात्रि के सहन काल में पुरुष के बाईं तरफ सोना चाहिए। ऐसा करने से कुछ समय के बाद में बाईं करवट लेटने से नाक का दाहिना स्वर और दाहिनी करवट लेटने से नाक का बायां स्वर चालू हो जाता है। फिर जब भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा हो तो उस स्थिति में मिलने से पहले यह निश्चित कर लेना चाहिए कि पुरुष का दायां सुर चलने लगे और स्त्री का बायां सुर चलने लगे, उसी समय पर गर्भधान किया जाना चाहिए। ऐसा करने से निश्चित तौर पर ही पुत्र की प्राप्ति होती है और इसके विपरीत नाक के स्वर चलने से पुत्री की प्राप्ति होती है। उस परिचय में आगे भी लिखा हुआ था कि मासिक धर्म प्रथम शुरू होने से पहले, पर्चे में आगे लिखा हुआ था कि मासिक धर्म शुरू होने के प्रथम चार दिवसों में मिलन से पुत्र रतन प्राप्त हो जाता है, पांचवी रात्रि में मिलने से कन्या की प्राप्ति हो जाती है, रात्रि में मिलने से पुत्र की प्राप्ति होती है, सातवीं रात्रि से मिलने से बंध्या पुत्री होती है, आठवीं रात्रि में मिलने से स्वर सली पुत्र की प्राप्ति होती है, नवमी रात्रि में मिलने से स्वर सली पुत्री की प्राप्ति होती है, दसवीं रात्रि में मिलने से अति श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति होती है, ग्यारहवीं रात्रि में मिलने से बहुत सुंदर आचरण वाली कन्या प्राप्त होती है, बारहवीं रात्रि में मिलने से श्रेष्ठ और गुणवान पुत्र होता है और बारहवीं रात्रि में मिलने से चिंतावर्धक कन्या और तेरहवीं रात्रि में मिलने से सद्गुण और बलवान पुत्र की प्राप्ति होती है और चौदहवीं रात्रि में मिलने से लक्ष्मी स्वरूपा पुत्री और सोलहवीं रात्रि में मिलने से सर्व पुत्र रतन की प्राप्ति होती है। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, इस प्रकार उस सुकन्या ने यानी सोलहवीं रात्रि में अपने पति से उसने गर्भ धारण किया और सुबह को स्नान क्रिया से निवृत्त होकर के पूजा पाठ करने के बाद सुकन्या का पति लकड़ी काटने के लिए चला गया। पूजा पाठ करने के बाद उस सुकन्या का पति लकड़ी काटने के लिए जंगल में जब गया तब इधर इतने में तूफान आ गया। तब तक इतने में तूफान जब आया इधर सुकन्या की झोंपड़ी तूफान में उड़ गई और उधर भारी तेजी से बारिश होने लगी और फिर सुकन्या बरसात से बचने के लिए एक पेड़ पर अपना पता लिखती है। यह पता उसी क्वार्टर का था जिस क्वार्टर में वह सुकन्या बरसात से बचने के लिए पहले जाकर के छुप गई थी और सुकन्या ने पेड़ के ऊपर पता इसलिए लिखा क्योंकि जब उसका पति लौट करके वापस आए तो उसी वृक्ष पर लिखा हुआ पता पढ़कर के उसी क्वार्टर के पास आ जाए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, उधर वो सुकन्या उसी क्वार्टर में आकर के छुप जाती है।
जो कोटर एक वृक्ष की जड़ में बना हुआ था। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, जिस पेड़ की जड़ में वो कोटर बना हुआ था, जिसमें सुकन्या जाकर के छुप गई थी, उस पेड़ के ऊपर दो राक्षसों का निवास था। इधर तो वह सुकन्या बरसात से बचने के लिए उस कोटर में छुपी हुई थी, और उधर वह दोनों राक्षसी बरसात से परेशान होकर के उसी वृक्ष की तरफ चली आ रही थीं। फिर तो उसी वृक्ष पर आकर के एक राक्षसी कहने लगी, अब तो चला भी नहीं जा रहा, वरना मन तो यह कर रहा है कि सोना टापू पर चली जाऊं। तो दूसरी राक्षसी कहने लगी, हे बहन, इसमें क्या बड़ी बात है, यह पेड़ हमें उड़ा करके वहीं पर पहुंचा देगा जहां पर सोने का टापू बना हुआ है। और ऐसा कह करके वो दोनों राक्षसी उसी पेड़ के डाल पर बैठ गईं, और वह पेड़ एकदम से उड़ने लगा। उधर थकी हारी सुकन्या उसी पेड़ के कोटर में छुपी हुई थी। उस कोटर में घुसते ही सुकन्या के लिए गहरी नींद आ गई थी, लेकिन पेड़ के उड़ने से लगने वाले झटकों से सुकन्या की आंख खुल गई, और पेड़ को उड़ता हुआ देखकर वो सुकन्या एकदम से घबरा गई। फिर जब सुकन्या ने उस कोटर से बाहर झांक करके देखा, तो उसी पेड़ की डाल पर दो राक्षसी बैठी हुई थीं। अन्यथा सुकन्या ने परिस्थितियों के साथ समझौता किया और सोचने लगी, हे ईश्वर, अब जो भी होगा वह अच्छा ही होगा। फिर कुछ देर की उड़ान के बाद वह पेड़ एक सोना टापू पर पहुंच करके उतर गया। उधर दोनों राक्षस के लिए बड़ी तेजी से भूख लग रही थी, इसलिए वह दोनों राक्षसी शिकार की तलाश में निकल गईं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, उन दोनों राक्षस के बाहर जाने के बाद वह सुकन्या उसी पेड़ के क्वार्टर से बाहर निकली, और फिर उसके बाद में उसने चैन की सांस ली। जैसे ही सुकन्या ने इधर उधर सोना टापू पर फैले हुए रेत के लिए देखा, तो सुकन्या एकदम से अचंभे में पड़ गई। यह रेत कितना भी तेज चमक रहा है, और जब सुकन्या ने रेत के लिए अपने हाथों में उठा करके देखा, तो एकदम से चिल्लाने लगी, अरे यह तो सोने की रेत है। और फिर सुकन्या ने अपने धोती के पल्ले में वो जितना भी रेत भर सकी वो भर लिया, उसने उस रेत के लिए बांध लिया, और पुनः आकर के चुपचाप ही उसी कोटर में आकर के घुस गई। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, इधर सुकन्या का उसी कोटर में पुनः वास जाना, उधर वह दोनों राक्षसी लौट करके उसी पेड़ पर वापस आ गई, और वह आपस में एक दूसरे से कहने लगी, आज तो भर पेट भोजन करके हमारे पेट के लिए पूरी तृप्ति हो गई, हमारे मन के लिए पूर्ण तरीके से तृप्ति मिल गई है। अब चलो वापस लौट कर चलते हैं, हम जहाँ से आए और वहीं चलते हैं। और इसी प्रकार थोड़ी देर में ही वह वृक्ष उड़ करके उसी स्थान पर पहुंच गया जहाँ से वह पेड़ उड़ करके पहले गया था। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, वह सुकन्या उसी कोटर में जब तक छुपी रही, जब तक वह राक्षसी किसी काम की वजह से उस वृक्ष से चली नहीं गई, और जैसे ही दोनों राक्षसी उस पेड़ से चली गईं, वैसे ही सुकन्या उस पेड़ के उस खंडर से निकल करके उस रेत को लेकर के उस कोटर से बाहर आ गई, और मन में सोचने लगी कि इतना सारा सोना देख करके मेरी सास माँ खुश हो जाएगी, अब मैं अपनी ससुराल के लिए वापस जाऊंगी, और अपनी सासू माँ के लिए इतना सारा सोना ले जा करके दूंगी, फिर वह मुझसे कभी भी नफरत नहीं करेगी, और फिर मुझसे हमेशा के लिए वह प्यार करने लगेगी। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, इधर तो सुकन्या ऐसा सोच ही रही थी, तब तक इधर सुकन्या का पति सुकन्या को ढूंढता हुआ उसी कोटर की तरफ से आ जाता है, और फिर वह सुकन्या अपने पति के लिए
सारी बात बता देती है और अपने पति को लेकर के घर के द्वार पर पहुंचकर सुकन्या अपने सासू माँ से कहती है, देखो मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। और ऐसा कहते हुए सुकन्या घर के भीतर प्रवेश कर जाती है और वह सारा सोना लेकर के वहाँ अपनी सासू माँ के लिए दे देती है। और उसे सोना कैसे प्राप्त हुआ, कहाँ से मिला, वह पूरी घटना भी अपनी सासू माँ के लिए समझा देती है। इधर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, सोना लेने के बाद सुकन्या की सास एकदम से क्रोध में आकर के बोली, तू बहुत कम सोना लेकर के आई है, मुझे वहाँ पर जितना भी सोना था वह सारा सोना लेकर के आना चाहिए। फिर अपनी सास की बात सुनकर के सुकन्या कहने लगी, हे माँ जी, हमारे तीन चार पीढ़ियों के लिए इतना सोना काफी है। तो सास कहने लगी, अरे मूर्ख, सोना भी कभी काफी होता है, ये तो जितना भी ज्यादा हो उतना ही कम है। अब देख तू, मैं जाऊंगी और देखना कितना सोना बटोर कर लेकर आती हूँ। इधर भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, सुकन्या ने सास के लिए समझाया तो बहुत बहुत समझाने का प्रयत्न किया, पर उस लालची दुष्ट स्त्री ने एक भी बात नहीं समझी, उसकी समझ में कोई बात नहीं आई। उसने अपनी बहू सुकन्या की एक भी बात नहीं मानी और जाकर के उसी वृक्ष की कोटर में बैठ गई। इधर वो राक्षसी जैसे ही उस पेड़ पर आई तो एकदम से वही पेड़ उड़ने लगा। इधर तो पेड़ उड़ता हुआ जा रहा था, उधर वो सुकन्या की सास मन ही मन में बड़ी ही प्रसन्न हो रही थी कि आज मैं बहुत सारा सोना एक साथ बटोर कर लेकर के आऊंगी। दोस्तों, भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, इधर वो सुकन्या की सास अपने मन में खुशियां मना रही थी तो उसी समय पर एक राक्षसी कहने लगी, चलो आज स्वर्ण द्वीप पर ना चलकर मच्छी द्वीप पर चलते हैं। तो एक राक्षसी कहने लगी, हे बहन, चलो आज सोने के टापू पर ना चलकर मच्छियों के तालाब पर चलते हैं, आज मछलियों का खाने का मन चल रहा है। और उधर जैसे ही वो मछलियां खाने के लिए मन बनाया, वैसे ही वो पेड़ मच्छल द्वीप की तरफ उड़ चला। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, इधर इस प्रकार से राक्षसों की बात सुन करके कोटर में बैठी वह लालची स्त्री स्वयं पर संयम नहीं कर सकी और एकदम से कहने लगी, अरे तुम सोना टापू पर आखिर क्यों नहीं जा रही, उस मछली द्वीप पर मत जाओ, सोना टापू पर चलो। अब जैसे ही उस लालची स्त्री ने इतनी आवाज दी तो राक्षसी समझ गई कि इस पेड़ के कोटर में कोई ना कोई जरूर छुपा बैठा है। और उन्होंने एकदम से जैसे ही उस कोटर में प्रवेश किया तो फिर जैसे ही दोनों राक्षसियों ने उस लालची स्त्री के लिए देखा, एकदम से उठा करके उस पेड़ के ऊपर से ही फेंक दिया और धरती पर गिरते ही उस लालची स्त्री की प्राण पखेरु उड़ गए। दोस्तों, जब यह सूचना उस सेठ के लिए मिलती है कि उसकी पत्नी मर चुकी है तो सेठ एकदम से सुकन्या के पास जाता है और उससे कहता है, बेटी, मैं तो इस दुष्ट के लिए पहले ही समझाता था कि तू ऐसा काम मत कर, लालच नहीं करना चाहिए। और बहू जो होती हैं वह बेटियों की तरह होती हैं, उनके लिए प्यार देना चाहिए, मगर मैं क्या करूं, उसने मेरी एक भी बात नहीं मानी और उसे उसके कर्मों का फल आज मिल गया। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, इधर सुकन्या अपने पति के साथ में रह करके सुख पूर्वक जीवन के लिए व्यतीत करने लगी। फिर समय पर पूर्ण होने के बाद में सुकन्या के एक बहुत ही गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई। फिर वह सुकन्या अपनी गोदी में पुत्र को खेलते हुए देख करके उसकी खुशियों का तो ठिकाना ही नहीं रहा और वह भगवान विष्णु और लक्ष्मी का, यानी हमारा और देवी लक्ष्मी, तहे दिल से स्वागत सम्मान करने लगी। उधर सेठ के बड़े बेटे की
बहू हमेशा सुकन्या के लिए पुत्र को लेकर के ताने मारती रहती थी। जब सुकन्या के पुत्र की प्राप्ति हुई और उसे धन की भी प्राप्ति हो गई, उधर सेठ के बड़े बेटे और बहू के दिन गरीबी से गुजरने लगे, तो सेठ की बड़ी बहू जाकर के सुकन्या के आगे हाथ जोड़ करके अपनी गलती की माफी मांगने लगी। फिर सुकन्या एक बहू बहुत ही बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, बहुत ही दयावान सज्जन स्वभाव की स्त्री थी, वह बहुत ही ज्यादा मधुर संबंधों वाली थी दोस्तों, इसलिए वह अपनी जेठानी के लिए माफ कर देती है। और वह जो सोना लेकर के आई थी उसमें से आधा सोना वह अपनी जेठानी को भी दे देती है। और इस प्रकार से सेठ जो था अपनी छोटी बहू की बहुत ज्यादा प्रशंसा करता है। और फिर वह सेठ का पूरा परिवार बड़े प्यार के साथ में जीवन के लिए यापन करने लगा है। दोस्तों भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, इस प्रकार समय जब धीरे धीरे उन सभी का सुख पूर्वक व्यतीत होने लगा, तो सेठ के बड़े बहू के जो पुत्र हुआ था वह बहुत ही बड़ा अवगुणी था, इसलिए उसने सारा सोना अवगुणों में बर्बाद कर दिया। और उधर सुकन्या के एक पुत्र जो हुआ था वो पुत्र बहुत ही ज्यादा गुणवान था, वह जीवन में इतना आगे बढ़ा कि उसने अपने माँ बाप का जीवन बदल दिया और माँ बाप का नाम रोशन कर दिया। और फिर जब सुकन्या और उसकी जेठानी अपना जीवन पूरी तरह से जी लिया, तो मृत्यु के बाद भी सुकन्या के लिए स्वर्ग की प्राप्ति हुई और उसकी जेठानी के लिए नरक में स्थान मिला। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, तुम्हारा पहला प्रश्न था कि कौन सी स्त्री के भाग्य में पुत्र प्राप्ति नहीं होती है, तो समझ लो विष्णु के द्वारा दिए गए परिचय के नियमों के विपरीत जो कार्य करते हैं उनके भाग्य में कभी भी पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए पुत्र या पुत्री की इच्छा रखने वाले भाई बहन इस कहानी के लिए बार बार बड़े ध्यान से और अपने मन इच्छा द्वारा संतान की प्राप्ति करने के लिए इस कहानी को सुने। अब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन सा गहना पहनने से स्त्री या पुरुष की दर्दनाक मौत हो जाती है, तो समझ लो वह है लालच रूपी गहना, जो कि उस सेठ की पत्नी ने पहना और खूब सारा सोना लाने के लालच में वह ऊपर से राक्षसों के द्वारा फेंकी गई और उसकी बड़ी ही दर्दनाक मौत हुई। दोस्तों इसलिए लालच रूपी गहना कभी भी नहीं पहनना चाहिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी लक्ष्मी, जब तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि कौन सा श्रृंगार करने से स्त्री के लिए स्वर्ग में स्थान मिलता है, वह है चरित्र रूपी श्रृंगार, यानी चरित्रवान और पतिव्रता स्त्री जो बनती हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। सेठ की छोटी जो बहू थी सुकन्या की तरह अच्छे कर्मों की वजह से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। उसका चरित्र बहुत ही ज्यादा उज्ज्वल था, पवित्र था, इसलिए मरने के बाद भी उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों यदि कहानी आपके लिए पसंद आई हो तो इस चैनल को